सब्सक्राइब करें अपनी YouTube चैनल एम नॉलेज को लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं जो कॉमन इंजेक्शन होते हैं, जो कॉमन द यूज में आते हैं, वो सारे के सारे इंजेक्शन हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कौन से इंजेक्शन आप रख सकते हो और कौन सा इंजेक्शन किस कंडीशन में आप लगा सकते हो। पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप वीडियो को पूरा देखोगे तभी आपको पता लगेगा कि कौन से इंजेक्शन किस बीमारी में काम आता है। उसके लिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि और हेल्पफुल वीडियो आपको यहाँ पर मिलती रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इंजेक्शन की बात कर ले तो सबसे पहला इंजेक्शन आता है जिसको हम पैरासिटामोल इंजेक्शन बोलते हैं। आजकल बुखार होना एक कॉमन सी बात हो गई है। अगर किसी को ज्यादा बुखार है, अगर आपने टैबलेट दी है पीसीएम की लेकिन उसका बुखार पीसीएम टैबलेट देने के बाद भी नहीं उतरा, तो आप पीसीएम का इंजेक्शन 2 ml IM भी लगा सकते हैं। पीसीएम इंजेक्शन जैसे ही लगाओगे तो मरीज का बुखार उतर जाएगा और बुखार उतरते ही उसको काफी आराम भी मिलेगा। तो पीसीएम इंजेक्शन की वाइल भी आती है और पीसीएम इंजेक्शन के एम्पुल्स भी आते हैं। सेकेंड इंजेक्शन की हम बात कर लेते हैं। सेकेंड इंजेक्शन हमारा यहाँ रैनेटिडिन है। रैनेटिडिन भी बहुत जरूरी इंजेक्शन होता है, ये बहुत जरूरी काम में आता है। किसी को अगर आपने ड्रिप लगा दी और ड्रिप लगा देने के साथ अगर उसको गैस की प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको एसिडिटी की प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है, तो आप ड्रिप के अंदर जो रैनेटिडिन इंजेक्शन है उसको लगा सकते हैं, जिससे उसको गैस की प्रॉब्लम या फिर एसिडिटी की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और पेशेंट को भी राहत मिलेगी। तीसरी इंजेक्शन यहाँ पर रोटावेरिन आता है। रोटावेरिन इंजेक्शन कॉमनली पेट दर्द के लिए काम आता है। अगर किसी को पेट में दर्द है तो आप रोटावेरिन इंजेक्शन IM इंजेक्शन लगा सकते हो, जिससे कि उसका पेट दर्द भी ठीक हो जाएगा। रोटावेरिन इंजेक्शन के साथ साथ में यहाँ पर हम डाइसाइक्लोमाइन इंजेक्शन भी आता है। इस इंजेक्शन को भी आप पेट दर्द के लिए यूज कर सकते हो। अगर इन दोनों इंजेक्शन को लगाने के बाद भी किसी का पेट दर्द ठीक नहीं हो रहा तो इसके बाद आप वस्कोपेन इंजेक्शन आता है, जिसको वस्कोगैस्ट भी बोल देते हैं, उस इंजेक्शन को आप लगा सकते हैं। इस इंजेक्शन को आप IV भी लगा सकते हो, IM भी लगा सकते हो, जिससे कि पेशेंट को जल्दी राहत मिल जाएगी। चौथी इंजेक्शन की हम बात करें तो हमारा यहाँ पर है डाइक्लोफेनाक इंजेक्शन। डाइक्लोफेनाक इंजेक्शन किसी का हाथ पैर दर्द होता है या फिर किसी को इंजरी हो जाती है, किसी को चोट लग जाती है जिसमें उसको दर्द ज़्यादा हो देखने को मिल जाता है, तो दर्द वाली कंडीशन में आप डाइक्लोफेनाक इंजेक्शन IM आप लगा सकते हो। पांचवे इंजेक्शन की हम बात करें तो पांचवा इंजेक्शन हमारा यहाँ पर ऑन्डेस्टेरोन है। ऑन्डेस्टेरोन इंजेक्शन तो कई बार बच्चों को या फिर लोगों को उल्टी होती है, उल्टी होने के बाद आप उल्टी की टैबलेट भी दे देते हो, लेकिन उल्टी की टैबलेट देने के बाद भी उल्टी हो जाती है, जिससे कि जो टैबलेट दी थी वो टैबलेट बाहर निकल जाती है, तो इस कंडीशन में आप IV या IM इंजेक्शन लगा सकते हो। ऑन्डेस्टेरोन इंजेक्शन लगाने के बाद उल्टी कंट्रोल हो जाती है और पेशेंट को इसमें राहत मिल जाती है, तो आप उल्टी के लिए ऑन्डेस्टेरोन इंजेक्शन लगा सकते हो। छठे इंजेक्शन की हम बात करें तो छठा इंजेक्शन हमारा यहाँ पर इथमसालेट या फिर टेक्साकन इंजेक्शन होता है। ये इंजेक्शन सामान्यतः कम ही यूज होते हैं क्योंकि ये इंजेक्शन ब्लडिंग के काम आते हैं। अगर किसी पेशेंट को ब्लडिंग हो जाती है या अगर किसी को गंभीर चोट लग जाती है तो उसका खून नहीं रुक पाता, तो उस कंडीशन में आप टेक्साकन या फिर इथमसालेट इंजेक्शन लगा सकते हो। ये इंजेक्शन लगाने से ब्लडिंग बंद हो जाएगी। तो दोस्तों मैंने आपको जो कॉमन यूज में आने वाली मेडिसिन है, जो जो इंजेक्शन होते हैं, वो मैंने आपको बता दिए। और भी इंजेक्शन आते हैं, उसका पार्ट 2 जल्द ही बनाऊंगा। उसके लिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।